कर ली। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वजारत खारजा से मतलूबा दस्तावेजात मिलने पर 4 अगस्त को अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए रवाना होंगी। आपको बताएं, इस हवाले से आफिया मूवमेंट की चेयरपर्सन ने उम्र की सआदत हासिल कर ली है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वजारत खारजा से मतलूबा दस्तावेजात मिलने पर 4 अगस्त को अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए भी रवाना होंगी। आफिया मूवमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने उम्र की सआदत हासिल की है। डॉक्टर फौजिया ने खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान की तरक्की सलामती के लिए दुआएं भी की है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया और तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए भी खसूसी दुआएँ की है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मुख्तार। शुएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आफिया मूवमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने उम्र की सआदत हासिल कर ली है। डॉक्टर फौजिया ने खाने काबा के सामने खड़े होकर जो है पाकिस्तान की तरक्की व सलामती के साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जो है दुआएं की हैं। उनके डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है वजारत खारजा से मतलूबा दस्तावेजात मिलने पर जो है 4 अगस्त को जो है अमरीका रवाना होंगी। डॉक्टर आफिया अगले माह जो है आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में जो है मुलाकात करेंगी। इस मौके पर डॉक्टर फौजिया का कहना था कि यौम आशूर इस्लामी तारीख का ही नहीं इंसानी तारीख का भी एक अजीम दिन है। अल्लाह हमें और हुक्मरानों को तौफीक दे कि सिर्फ दुआएं ही नहीं बल्कि दीन की सरबुलंदी और उम्मत की बहनों बेटियों की इज्जत चादर और चार दीवारी की हिफाजत के लिए अमली जद्दोजहद भी करें। जी जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस के मामलों में वजी